गर्मी की फसल की बुआई फरवरी माह के अंत में या मार्च के प्रथम सप्ताह में किया जाता है। गर्मी के मौसम में अगेती फसल लेने हेतु आप इसकी पौध पॉली हाउस में तैयार करके सीधी रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक बैग या प्लग ट्रे में कोकोपीट, वर्मिकुलाइट तथा परलाइट को 3:1:1 के अनुपात में मिलाकर इसे प्लग ट्रे में भर के इसकी बिजाई करते हैं। इस तरह से दिसंबर माह में इसकी बिजाई करके फरवरी माह में रोपाई कर सकते हैं। बरसात की फसलों की बिजाई जून के अंत में अथवा जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं। अच्छी उपज के लिए किसान भाई हमारे संस्थान द्वारा विकसित किस्में जैसे कि पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि एवं पूसा संदेश तथा संकर किस्में पूसा हाइब्रिड 3 लगा सकते हैं। इस फसल की बिजाई या रोपाई खेत में नाली बनाकर करते हैं। जहां तक संभव हो नाली उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाए तथा पौध या बीज की रोपाई नाली के पूरब में करें। गर्मियों में नाली से नाली की दूरी 3 मीटर तथा बरसात में 4 मीटर रखें। पौध से पौध की दूरी हमेशा 90 सेंटीमीटर तक ही रखें। खेत में पौधों के 2 से 3 पत्तियों की अवस्था में लाल कीड़े जिसे कि हम रेड पंपकिन बीटल भी कहते हैं का प्रकोप बहुत अधिक होता है। इससे बचाव के लिए किसान भाई डाइक्लोरोफॉस नाम की दवा 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाई इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इस कीड़े को मारने के लिए आप सूर्योदय से पहले ही छिड़काव करें। सूर्योदय के बाद यह कीड़ा जमीन के बीच दरारें होती हैं उसमें छुप जाते हैं। जहां तक संभव हो बरसात के मौसम में फसल को मचान बनाकर उगाएं। इससे बरसात में पौधों की गलन की समस्या कम होती है एवं उपज भी अच्छी होती है।